Hi everyone, welcome back to the channel. To all the RBI Grade B aspirants who are serious about cracking this exam, if there is one brahmastra, tour ka ikka jise bolte hai na, is exam ko crack karne ke liye, wo hai FM. ESI, descriptive English, they can all be very unpredictable and very less scoring papers, but FM has traditionally been very scoring. And the reason being that it is a more static oriented paper, और एक बहुत ही डिफाइंड सा सिलेबस है जिसके कारण आप इसको अच्छे से कवर कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. तो इस एग्जाम में आई हैव सीन पीपल स्कोरिंग एवरेज ऑफ 70-75 मार्क्स. आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु गेट सेलेक्टेड. उनका एवरेज लेंगे तो 70-75 मार्क्स बैठता है ट्रेडिशनली. एंड सम पीपल इवन स्कोर 80s इन 80s, 84, 80, 81. एंड स्कोरिंग हायर हेयर वुड गिव यू एन एज, बिकॉज बाकी पेपर जैसा मैंने बोला काफी अनप्रडिक्टेबल है. यहाँ पे आपको काफी सर्टनिटी हो सकती है अगर आप अच्छे मार्क्स ले. सो इन टूडेज वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट कि कैसे आप एफ एम में 80+ मार्क्स ला सकते हैं इन 50 days. एंड व्हेन आई से 50 days, आई वांटेड टू स्टडी फॉर 4 hours डेली फॉर दोज 50 days, मतलब 200 घंटे की तैयारी या फिर 3 घंटे भी पढ़ेंगे. By preparing for 150 hours, you can manage a very good score, but वो एक focused study होनी चाहिए, एक strategic study होनी चाहिए, where you are able to segregate between what is to be done and what is not to be done. तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा. क्या 80+ का score feasible है? बिल्कुल feasible है. जैसा मैंने बताया, आप traditionally देख लीजिए 70-75 के बीच में तो बहुत लोगों के number आते हैं. If you put in certain extra effort, 80+ is certainly feasible, and I'm going to tell you the strategy for that. फोर स्टेप स्ट्रैटेजी बताऊंगा. सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है, टू मेक अ गुड फाउंडेशन, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर स्ट्रैटेजी. उसके लिए पास्ट ईयर पेपर्स को बहुत अच्छे से करो. ये आपने बहुत बार सुना होगा, बट आप भी कहां करते हो? इस बार मेरी बात सुनो. प्लीज टेक प्रिंट आउट ऑफ ऑल द पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ एफएम, एंड व्हेनेवर यू रीड एनी चैप्टर, जस्ट गो थ्रू दोस क्वेश्चंस एंड ट्राई टू टैग कि इस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन आए हैं. और चैप्टर पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो. यू विल गेट अ फेयर आइडिया हाउ वेल डिड यू रीड दैट चैप्टर, और क्या आपने सही तरह से पढ़ा. आर यू एबल टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नॉट. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. दिस इज लाइक अ गॉड्स हैंड ऑन योर हेड, बिकॉज अगर आपने इस एक्सरसाइज को कर लिया, यू विल ऑलवेज बी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. एंड द सेकंड थिंग इज रीडिंग न्यूज़पेपर डेली. आई एम नॉट श्योर व्हाट पार्ट ऑफ योर न्यूज़पेपर मैप्स टू द सिलेबस और हाउ इज गोइंग टू हेल्प यू, बट ट्रस्ट मी, descriptive writing cannot be done if you are not reading newspapers, at least the editorial part. Editorial reading is something mandatory if you really want to excel in your FM descriptive writing, especially the finance portion. Or bhi agar aap pad sakte hain, if you have time, if you are starting early, if you have time, if you can read the other sections like business section and the world section, I think you will get plethora of knowledge which is going to enhance your common sense इन दिस फाइनेंस एरिया विच इज आज इन योर एग्जाम. क्योंकि इस एग्जाम में फाइनेंस में जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है वो नहीं आती है, अलग ही आती है, वो आप सिलेबस देख के ही समझ जाए. तो ये दो चीजें आपको करनी है. मुश्किल नहीं है, इट जस्ट नीड्स अ रिजॉल्व फ्रॉम योर एंड. एंड दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ योर स्ट्रैटेजी इज वेरी इजी. द सेकेंड स्टेप इन योर स्ट्रैटेजी इज टू हैव नो फियर ऑफ फाइनेंस. 90% of the people are not able to perform well right from the start because they have this fear of finance. Unko lagta hai ki pata nahi ye finance bahut hi mushkil subject hoga, wo nahi pad payenge, and that fear always takes them now towards a lesser productivity scenario where in spite of reading so much of the time they are not able to complete their chapters. Aur ye fear kyun hame khatam karna hai? Sabse pehle try to understand, your paper is not finance, this is FM. Management is 50 marks, around about this finance is 50 marks. So finance is just 50 marks out of 100. And if I talk about this finance also 50 marks, this is not core finance. You can ask anybody from a CA background or from any relevant background, they will tell you that this is not core finance where you study about capital budgeting, capital structure theories and all that. ये बहुत ही बेसिक फाइनेंस है. इफ देयर इज समथिंग इन इट व्हिच कैन बी एक्चुअली कॉल्ड फाइनेंस इज दिस यूनिट नंबर 8 वेयर दे टीच यू अबाउट द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई मीन यू सी, यू योरसेल्फ सी चैप्टर्स लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डिजिटल पेमेंट्स, नॉन बैंकिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. दिस इज नेवर
never going to be part of core finance. So आपको डरना नहीं है, ये chapter easily doable है. You just need a proper planning for them. And moreover, I think if there is one thing which makes finance dreary or difficult, it has to be the numerical part. And in your RBI Grade B paper, numericals are things of the past. अब 2021-22 और 23 में देख लो, numerical has almost vanished. 2023 में एक number का numerical आया था, that was also very straightforward. So now they are not asking you numericals. और अगर आएंगे भी बहुत basic आएंगे that are just formula based and that anyways you need to understand the theory also. So neither it is core finance, neither it is numerical based. So there is no need to be fearful of that. Full confidence से करो, output double हो जाएगी. So that was the second step of your strategy. The third step of your strategy is to have a proper strategy. क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या नहीं पढ़ना है, ये चीजें जाननी बहुत मुश्किल है. सो नाउ आई वुड बी टेलिंग यू एट लेंथ अबाउट दैट. फाइनेंस मैनेजमेंट का अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे, दे आर प्रीटी मच बैलेंस इन योर पेपर. 100 नंबर का पेपर आता है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 45 to 50 marks एंड फाइनेंस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 45 to 50 marks. 5 नंबर इधर उधर होगा. So if I talk about management first, the good thing about management is that it has a very limited syllabus and the syllabus is also very generic. If you see topics like motivation, leadership, communication, conflict, perception, I mean, these are very general. We understand these terms in a very layman's in a very layman scenario. But yes, there are certain frameworks and theories that needs to be learned. So jab aap padhenge, कॉमन सेंस को एक फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है, दैट इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लिटिल बिट ऑफ क्रैमिंग इज रिक्वायर्ड. बट बहुत लिमिटेड है, देर आर नो करंट अफेयर्स. ठीक है, जेनरिक चीज है, ऐसा नहीं है कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाना पड़ेगा कुछ समझने के लिए. सो इट इज ऑल डुएबल. आई थिंक इट जस्ट नीड्स अ 3 weeks एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड एंड इट इज कंप्लीटली डुएबल. द ओनली चैलेंज इन मैनेजमेंट दैट मेनी पीपल फेस इज दैट देर आर थ्योरीज विच काइंड ऑफ ओवरलैप, सो इट कैन बी कंफ्यूजिंग. Many of the terms might have the same meaning, but they are different in the management sense. तो ज़्यादा पढ़ो, चीज़ों को differentiate करो, because otherwise it will all get confusing. And focus on the understanding, because if you simply read it and think that I have understood everything, and while solving the questions you face the difficulty, it means you did not have the clarity in the first place when you read it. तो understanding पे focus करो. सिंपली रीड मत करो, बार बार पढ़ो एंड सॉल्व लॉट ऑफ एमसीक्यूज टू एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग और टू एनहांस योर एप्लीकेशन. बिकॉज एग्जाम में दे गिव यू लॉट ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस. देयर आर सम वन लाइनर्स आल्सो, बट देयर आर लॉट ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो. तो वैसे एमसीक्यूज कर व्हेन यू अप्लाई योर नॉलेज, योर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज विल गेट एनहांस्ड एंड यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम. सो दिस इज अबाउट द मैनेजमेंट पार्ट. और मैनेजमेंट में ज्यादा कुछ बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. इन 3 बुक्स को सिलेबस से मैप करके पढ़ लो. प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय एलएम प्रसाद, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय एलएम प्रसाद. बोथ दीज बुक्स आर बाय एलएम प्रसाद. लॉट ऑफ कंटेंट इज ओवरलैपिंग, सो वो सिर्फ एक किताब से पढ़ लेना. एंड लॉट ऑफ कंटेंट इज नॉट टू बी रेड बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैप करके पढ़िएगा. आई थिंक 3 वीक्स इज गोइंग टू बी सफिशिएंट टाइम टू cover whatever is given in your syllabus. Then there is a book, Business Ethics and Corporate Governance by B.N. Ghosh. Ethics or Corporate Governance bhi aapke syllabus mein hai, wo aap yahan se cover kar sakte hain. So this is about how to prepare for management. In short, I'll not take much of your time, but start executing it. In case you have any query, you can always write out to us. Ye hamara clear ho gaya. Now, coming on to the finance portion. Ye wala, theek hai, which is again contributing around 50 to 55 marks. Now in finance portion, what needs to be done is, सबसे पहले आप ये समझो कि finance में static और current, it would be a mix of that. Unlike in management, which was 100% static. और जब current portion आ जाता है ना, तब problem बढ़ जाती है. Because current affairs is like a vast ocean, और उसको पढ़ना, facts को remember करना is a difficult task. But हम उसको break करते हैं. If I assume that finance paper is of 50 marks, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट ऑब्जेक्टिव विल हैव अ वेटेज ऑफ 25 एंड सब्जेक्टिव दैट इज डिस्क्रिप्टिव विल हैव अ वेटेज ऑफ 25 मार्क्स. आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट कैन बी लाइक 20-30 एंड ऑल दैट. नाउ इन द ऑब्जेक्टिव मार्क्स इफ इट इज ऑफ 25, नॉर्मली वी हैव सीन दैट स्टैटिक हैज अ हायर वेटेज ऑफ अराउंड 17 to 18.
और ऑब्जेक्टिव में करंट अफेयर्स कम आते हैं, स्टैटिक्स अराउंड 7 to 8. इन दिस सब्जेक्टिव पेपर देयर माइट बी वन क्वेश्चन फ्रॉम दी स्टैटिक्स से 10 marks एंड देयर माइट बी अनदर क्वेश्चन ऑफ 15 marks इन दी सब्जेक्टिव पेपर. तो सब्जेक्टिव पेपर में भी करंट अफेयर्स आते हैं. इफ आई टॉक अबाउट दिस, यहां पे बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए, बिकॉज अगर यहां पे अच्छा होल्ड हो गया तो ये और ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो स्टैटिक और करंट बेस्ड है वो भी अच्छी होने के चांसेस हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट स्टैटिक पार्ट, 70 to 18 marks, यू हैव अ वेरी ह्यूज सिलेबस दैट आई जस्ट शोड यू, बट आई वुड टेल यू टू फोकस ऑन सर्टन कोर एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. Important in terms of that lot of objective questions जो यहाँ पे मैं 17 to 18 marks बता रहा हूँ वो इन्हीं chapters में से आएंगे. And core also because this is the core. क्योंकि इसके अलावा जो chapters हैं जैसा मैंने बताया, public private partnership, financial inclusion, technology in banking, and that is just worth a read. उसमें से आपको जो एक descriptive question आएगा वो आप एक reading करके भी कर पाएंगे. But these are the chapters which require your understanding, which will take time. And they are something that will be asked in your exam. So, here income statement and balance sheet, cash flow and ratios, primary and secondary market, where we will study equity and debt. Dono padenge. In fact, bonds also padenge, which I have written here. This is also part of your primary and secondary markets. Then risk management, inflation, derivatives, here we futures, forwards, options, we will study three. Then functions of RBI, very, very important, fiscal policy. Then financial institutions, where we read about different financial institutions like NABARD, SEBI, NHB, SIDBI and all. So, ye hamare core chapters hain, inko acche se kar lena hai. The next question that might come in your mind is, what about the other set of chapters? You will have to do them. You cannot leave them. As I told you, static question descriptive mein bhi aayenge and they can be asked from the other chapters that are not mentioned in this list. Anyways, now coming on to the current affairs which are asked in the objective, normally they have a less weightages compared to the static. Right, इसमें the main area which has been traditionally asked is the RBI notifications. ठीक है, तो ये RBI notifications exam से पहले 6 months I would say is a decent time. If you can do, go for the 9 months. So RBI notifications, जो भी important notifications exam से 6 महीने आई हैं, उनके अंदर जो भी factual information है, obviously you cannot just cram, you have to understand it. Whatever is the factual information, you need to understand it. ठीक है, ये बहुत जरूरी है. लास्ट ईयर देयर वर सम स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड ऑल आस्क्ड इन योर फाइनेंस सेक्शन, बट दोस कैन बी एनीवेज हैंडल्ड बिकॉज वी डू दैट एज पार्ट ऑफ ईएसआई. सो देयर इज नो स्पेशल अटेंशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू देम, बट दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो आपको आरबीआई वेबसाइट पे मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट दे माइट आस्क यू एनी मेजर रेगुलेशन और डेवलपमेंट दैट हैज बीन डन बाय सेबी, जैसे सेबी ने सारथी ऐप लॉन्च की है अभी, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रेगुलेशन पास की है, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, दे आर एवरग्रीन, यू नेवर नो, देयर कैन बी वन और टू क्वेश्चंस फ्रॉम दैट. तो बाकी एरियाज हैं जो बैंकिंग, फाइनेंस, कैपिटल मार्केट्स में से पूछ सकते हैं, बट दिस इज द कोर एंड दिस बिलोंग्स टू आरबीआई. सबसे पहले वो अपने एरिया पे हिट करेंगे, देन दे विल ट्राई टू गो टू अदर एरियाज. सो दैट वॉज अबाउट द करंट अफेयर्स इन द ऑब्जेक्टिव सेक्शन. नाउ कमिंग ऑन टू दिस सब्जेक्टिव पेपर ऑफ 10 marks. ठीक है, अब ये ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो करंट ज्यादा आ रहा है, बट यू नेवर नो कि ये 20 नंबर का आ जाए या 25 का आ जाए, यहाँ पे जीरो आ जाए, यू नेवर नो दैट. बट लेट्स टेक दिस वेटेज बिकॉज एनीवेज वी हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ स्टैटिक एंड करंट इन दिस सब्जेक्टिव सेक्शन. सो इफ आई टॉक अबाउट द स्टैटिक पार्ट, आई अर्लियर टोल्ड यू देयर कैन बी स्टैटिक क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक क्वेश्चन फ्रॉम दीज चैप्टर्स आ ही सकता है, बट it can be from other chapters also. So you will cover these chapters from the objective point of view, which I have told you earlier. But baki chapters jo aap bilkul bhi nahi kar rahe hain, usko aap kar lijiyega, kyunki inme se agar aa gaya to aap likh hi lenge, because aap inko ek baar objective ke liye padhenge to descriptive bhi kar lenge, but baki chapters ko mat chhodiyega. Main baar baar bol raha hu, bilkul bhi aisa mat kijiyega ki ek bhi reading nahi di. Aur in current affairs ki agar baat kare जो सब्जेक्टिव में आएंगे, सो इनके लिए आई हैव बीन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, द एडिटोरियल्स इन द फाइनेंशियल न्यूज़पेपर लाइक लाइव मिंट इज समथिंग विच कैन रियली हेल्प यू. आंसर राइटिंग तो करनी है, बट उस आंसर राइटिंग के लिए जो कॉन्टेंट है, इट इज बेस्ट टेकन फ्रॉम द एडिटोरियल्स. आई रिमेंबर लास्ट ईयर देयर वॉज अ क्वेश्चन ऑन
ONDC के कारण Amazon पे क्या इम्पैक्ट होगा. देर वॉज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू UPI बिकॉज देर वर लॉट ऑफ चेंजेस बींग मेड इन UPI एट दैट टाइम. सो वो चीजें एडिटोरियल्स में अगर आप ढूंढेंगे लास्ट ईयर आपको मिलेंगी. आपने अगर लास्ट ईयर वो एडिटोरियल्स पढ़े होते यू वुड हैव डन गुड इन द एग्जाम. तो एडिटोरियल्स पढ़ने हैं लाइव मेंट पे, ठीक है. और उसके अलावा देयर कैन बी क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्टिव पेपर फ्रॉम द आरबीआई रिपोर्ट्स और द रीसेंट नोटिफिकेशंस. रिपोर्ट्स की बात करूं तो ये चार पांच रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं. आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन द बैंकिंग सेक्टर, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट एंड यूनियन बजट. ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. हम बहुत बार इनको सिर्फ ऑब्जेक्टिव एंगल से करते हैं एंड इफ वी डू इट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एंगल वी माइट नॉट बी एबल टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स ऑन दिस. तो इनको डिस्क्रिप्टिव एंगल से भी करना है. एंड इन फैक्ट अपार्ट फ्रॉम दीज रिपोर्ट्स इफ देर इज एनी रिसेंट आरबीआई नोटिफिकेशन विच एनी वेज यू वुड बी रीडिंग फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट यू वुड हैव टू रीड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑल्सो. तो ये पूरा ढांचा है FM का, हाउ इट ब्रेक्स अप एंड हाउ यू नीड टू कवर. आई होप यू आर एबल टू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. अगर मैं बुक्स की बात करूं फाइनेंस में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो स्टैंडर्ड बुक इन द मार्केट लाइक द वन आई टोल्ड यू इन मैनेजमेंट. देर स्टैंडर्ड बुक्स, आप उसमें से सिलेबस आराम से कर सकते हैं. फाइनेंस की ऐसी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है बिकॉज द सिलेबस इटसेल्फ इज नॉट स्टैंडर्ड. इट्स लाइक बिल्ड अप सिलेबस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आरबीआई इटसेल्फ. पर फिर भी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग एंड बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दीज आर टू बुक्स विच आर बेसिकली यूज बाय कैंडिडेट्स फॉर गिविंग जैब एंड कैब एग्जाम. तो ये दो एग्जाम होते हैं JAIIB एंड CAIIB. ठीक है, ये जैब और कैब एग्जाम्स हैं, इनमें ये बुक्स यूज होती हैं. सो द गुड थिंग अबाउट दीज बुक्स इज दैट जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं उनके सब टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे. बट इफ यू ट्राई टू रीड द कॉन्टेंट फ्रॉम दीज बुक्स एंड इन फैक्ट यू शुड ट्राई फर्स्ट देन ओनली यू विल रियलाइज द कॉन्टेंट इज वेरी हैफजर्ड. इट्स लाइक इट हैज बीन नो कॉपीड एंड पेस्टेड एंड विल मेक नो सेंस फॉर यू. तो ये चीज आप जरूर ट्राई करो. नहीं समझ आया तो एटलीस्ट सब टॉपिक्स को लिस्ट करो एंड ट्राई टू रीड इट बाय योरसेल्फ फ्रॉम गूगल एंड ऑल. देन देयर इज वन बुक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बाय भारती पाठक. लॉट ऑफ मेंटर्स एंड यूट्यूबर्स विल रिकमेंड यू दिस बुक. आई एम नॉट इन फेवर, बहुत बल्की है, बहुत रेगुलेशंस हैं. इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, दो दिस इज अ बुक फॉर इकोनॉमिक्स बट देन देयर आर सर्टन चैप्टर्स इन योर फाइनेंस पेपर लाइक फिस्कल पॉलिसी, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, यूनियन बजट एंड ऑल व्हिच are in a way related to economics. You cannot separate finance and economics. तो वो आप यहां से पढ़ सकते हैं. So this is how you prepare for your static part. And obviously, as I told you, there would be current affairs. So the major part of the current affairs was from the RBI notifications. So you can read the RBI notifications from the RBI website itself. That's the best source. Then editorials जो आपको पढ़ने हैं लाइव मिनट में से. अपार्ट फ्रॉम दैट एनी न्यूज रिलेटेड टू सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच कैन बी आस्क्ड इन योर ऑब्जेक्टिव पेपर नीड्स टू बी रेफर्ड फ्रॉम लाइव मिनट. एंड आई टोल्ड यू सर्टन रिपोर्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव. तो वो रिपोर्ट्स आपको ये वाली 2, 3, 4, 5 यू विल गेट इट फ्रॉम द आरबीआई वेबसाइट अंडर द रिपोर्ट सेक्शन. And this anyways union budget तो मतलब पूरी दुनिया में फैल जाता है जब आता है. So there is no need to tell the source for this. बाकी डिस्क्रिप्टिव पेपर फाइनेंस में एज आई टोल्ड यू इट्स अ मिक्स ऑफ स्टैटिक एंड करंट. ठीक है, इसमें स्टैटिक क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर मैपिंग टू द सिलेबस टैग. सो सपोज देयर इज अ सिलेबस टैग रीसेंट डेवलपमेंट्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. सो देयर इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब इंडियाज रिस्पॉन्स इन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. सो यू कैन be ready with the syllabus tags or be ready with the questions that can be asked based on the syllabus tags and you will find such questions in the exam. So syllabus tags mein se direct question bante hain which are very easy to handle in my opinion. Aisi ye question hai, identify the barriers to impersonal or interpersonal communication and how a manager can reduce it. So this is from your chapter barriers to communication. And then we have a question here. These all are questions from your actual exam. Describe manager's role in encouraging ethical behavior in the organization.
तो यहाँ पे भी टैग है रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो इफ यू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन ऑलवेज राइट अबाउट द रोल ऑफ मैनेजर ऑल्सो. तो सिलेबस टैग्स को अच्छे से कर लो. एटलीस्ट अगर ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करोगे तो 100-150 क्वेश्चंस हो जाएंगे. देयर इज अ गुड चांस कि 2-3 तो वैसे डायरेक्ट आ जाए विच यू कैन राइट इजीली. बाकी इफ आई टॉक अबाउट द स्टडी प्लान, आई फील दैट यू शुड बी डिवोटिंग 50 दिन में से 20 डेज टू मैनेजमेंट एंड 30 डेज टू फाइनेंस. मैनेजमेंट कैन बी डन इन 20 डेज, तो आप डेली मैनेजमेंट पढ़ो फर्स्ट 20 डेज. थोड़ी बहुत आरबीआई नोटिफिकेशंस पढ़ लो, ज्यादा नहीं आती हैं. 20 दिन में अगर एक भी पढ़ोगे 20 हो जाएंगी, दैट इज इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट 2 months ऑफ आरबीआई नोटिफिकेशंस. ठीक है, मैंने 2-3 वीकली लिखा है, आप डेली कर लो, वीक में 6 कर लो मतलब, या फिर 3 कर लो तब भी काफी है. एडिटोरियल जरूर पढ़ना है डेली, हाफ एन आवर इसको लगाना ही लगाना है. और आंसर राइटिंग 3 times a week, ये आप ऑल्टरनेट डे कर लो, आंसर राइटिंग और आरबीआई नोटिफिकेशन. 1 घंटा इसको, 1 घंटा इसको, ऑल्टरनेट डे मतलब. ठीक है, और आधा घंटा इसको, 1.5 घंटा हो गया. बाकी जो आपके 2.5 घंटे हैं वो आप मैनेजमेंट करो. 20 days यू विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस. देन day 1 to 21 to 50 फाइनेंस पढ़ो, वही 2.5 hours आरबीआई नोटिफिकेशन या आंसर राइटिंग ऑल्टरनेट डे करो 1 hour, और एडिटोरियल हाफ एन आवर. तो ये प्लान से चलोगे, आई एम श्योर योर मैनेजमेंट वुड बी डन. फाइनेंस है थोड़ा बच जाए, बट डोंट वरी अबाउट इट, इसको 10 दिन और एक्सटेंड कर लेना अगर बच जाए, बिकॉज देर आर सर्टन टफ चैप्टर्स विच आर द कोर, लाइक नो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, डेरिवेटिव्स एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स. उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट डू नॉट पैनिक, फोकस ऑलवेज ऑन द क्वालिटी रेदर देन द क्वान्टिटी. बाकी ये हमारे कोर्सेज हैं गाइज, इन केस यू आर प्लानिंग टू हैव सम असिस्टेड प्रिपरेशन, दीज आर अवर कोर्सेस, गोल्ड पैक and silver pack. Gold pack is for phase 1, phase 2 and interview, whereas silver pack is mainly for phase 2 and interview, but you will also get the GA of phase 1 in the silver pack also. So gold pack complete solution, silver pack will not have quant reasoning and English for phase 1. Baki obviously do not rush through your decision, there is a link where you can go and download the sample material. Usko aram se dekho, padho, 2-3 din lagao, if you feel ke haan yaar quality theek thaak hai, samajh aa raha hai, comprehensive bhi hai, it is completing the content from all the angles, then only decide to be part of this. Theek hai? So with that, I take your leave. Have a nice day. Bye-bye. Wish you good of luck. Good luck. Good of luck nahi. So, bye-bye. Jai Hind.